नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 8 बजे वक्त होता है रोज की तरह मॉर्निंग जी का, और आपको हम ये बता दें, अगर चाय का कप अभी तक आपने हाथ में नहीं उठाया है तो उठा लीजिए, क्योंकि अगले एक घंटे जो खबरें हम आपको बताने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबरें वो होंगी जिन पर आज सारा दिन जी न्यूज आपको अपडेट देगा। और जो ये पहली खबर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी राहत वाली है, ज्यादा नहीं, थोड़ी राहत भरी खबर है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है। बारिश की वजह से प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। कल भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी। आपको बता दें, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर हो या फिर देश के कोई दूसरे शहर, लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत बढ़ा रहा है। लेकिन हल्की बारिश होने के बाद इसमें थोड़ी कमी जरूर आ सकती है। लेकिन अब आप आज सरकार से नहीं, प्रशासन से नहीं, बल्कि इंद्रदेव से लगाइए। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक हो चुके प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कल शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कनॉट प्लेस, विजय चौक, केंद्रीय सचिवालय, यमुना बैंक और नोएडा जैसे कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी हुई है। दिल्ली का AQI 480 से गिरकर 410 हुआ है, वहीं नोएडा का AQI 578 से गिरकर 483 हुआ। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम का एक बड़ा तोहफा आज देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में आज शाम को हल्की बारिश देखने के लिए मिली, और जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में भारी गिरावट आई है। सुबह जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर AQI जो था वो 480 पर था, वो अब घट करके 410 पर हो गया। तो सिर्फ 15 मिनट की बारिश ने एनसीआर में 10 पॉइंट कम एयर क्वालिटी इंडेक्स कर दिया है, और अब जो दोबारा बारिश होगी वो 7 तारीख को होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 7 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश का अनुमान है। 4 नवंबर से हवा की रफ्तार भी तेज हो सकती है, इससे प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। वो बहुत सारा एरिया में बारिश है, हिमालयन हिल्स में भी है। हम लोग भी जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा रेन प्रेडिक्ट किया है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ राजस्थान, जो पूर्व राजस्थान है, बहुत सारा इलाका में बारिश होगा 7-8 को। मेजर रिलीफ है, आपको विंड रहेगा, बारिश भी रहेगा 7-8। वहीं दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत भी जारी है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास में उत्तर भारत के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुला के इस मसले पे चर्चा करने का समय नहीं है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए कोई एक व्यक्ति या सरकार जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में ज्यादा हो रही हैं। उसमें हरियाणा इसमें रोल प्लेयर नहीं है, इसका रोल प्लेयर पंजाब है। मगर दिल्ली के अंदर ये प्लॉगिंग होनी, इसके अंदर मैं ये मानता हूँ दिल्ली के जो डंप यार्ड में आग लगती है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा हेजिडियस स्टेप है, जिसको दिल्ली सरकार को मॉनिटर करना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लागू है। 5 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर भी रोक है। और पीयूषा मेरी सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। पीयूषा, बारिश से अब लोगों की आस बंधी है, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि रात भी हल्की बारिश हुई, सुबह भी कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया, थोड़ी बहुत कमी आई है? जी पयोधी, जैसा कि आपने कहा था कि पूरी तरह से राहत नहीं है, थोड़ी बहुत कमी आई है। थोड़ी बहुत का मतलब है, इस वक्त अगर प्रदूषण की बात करें तो AQI 410 पर है, जो कि सीवियर कैटेगरी में ही है। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये मत सोचें कि अब बारिश हो गई है तो प्रदूषण कम हो गया है, राहत है, नहीं। 410 AQI है, तो इसका मतलब यह है कि अभी भी सीवियर कैटेगरी है, हेल्थ इमरजेंसी अभी भी कंटिन्यू रहेगी। जो भी एडवाइजरीज है वो सब आपको फॉलो करनी होंगी। लेकिन मौसम
विभाग का ये कहना है कि आज भी पूरे दिन भर में लगातार हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में आने वाले कुछ दिनों में और कमी आ सकती है। और इसके साथ ही कुछ ही दिन के बाद यानी कि आप कहें 6 तारीख से जो है कोहरा भी शुरू हो जाएगा, तो दिल्ली में मौसम की फिर दोहरी मार की, कोहरा भी और उसके साथ धुंध भी। इस वक्त हम इंडिया गेट पर है, लेकिन अगर आपको तस्वीरें दिखा देंगे तो 100 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन तस्वीरों में आपको इंडिया गेट नजर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जो चारों तरफ है सिर्फ धुंध ही धुंध है और धुंध ही आपको नजर आएगी। लेकिन बारिश ने कुछ हद तक प्रदूषण तो कम किया है, लेकिन अभी भी क्योंकि सीवियर कैटेगरी है तो लोगों को अभी भी वो हेल्थ इमरजेंसी का जो माहौल है वो रहेगा कुछ दिनों तक। और 7 तारीख से जैसा कि बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने भी कहा कि 7 तारीख से फिर से तेज बारिश, 7 के बाद 8 और फिर तेज बारिश देखने को मिलेगी, जिसके साथ ठंड भी बढ़ने लगेगी दिल्ली एनसीआर में। पीयूषा, अगर राजनीति की बात की जाए तो इस प्रदूषण के साथ वो भी चरम पर है। मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर बैठक बुलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि आप ये इंतजार क्यों करेंगे कि आपके प्रदेश के लिए कि पहले केंद्रीय मंत्री बैठक बुलाएं, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना। देखिए पयोधी, ये कोई पहली बार नहीं कि प्रदूषण बढ़ रहा है या अभी आ रहा है, ये सालों से चल रहा है, कई सालों से। जब आपको पता है कि ये एक टाइम होता है जहां पर पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो इसकी आप तैयारी पहले से ही करिए। सिर्फ पराली एक कारण नहीं, पराली भी एक कारण है, लेकिन जो बाकी कारण है जिनसे आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं उसकी तो शुरुआत कम से कम आप इस पोल्यूशन सीजन से पहले कर ही सकते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। क्योंकि हर सरकार को, क्योंकि चाहे वो एक राज्य हो दूसरा राज्य, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, लेकिन जहां पर काम करने की बात होती है वहां पर बहानेबाजी शुरू हो जाती है। और बात ये भी है ना, केंद्र सरकार ये कहती है कि हम किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो पराली ना जलाएं, और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार एक कदम उठाए। राज्य सरकारें ये कहती हैं कि हमें केंद्र से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अब हम कैसे करें। तो अपने स्तर पर वो काम भी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वो तो फिलहाल समझ से परे है। शुक्रिया पीयूषा, आपसे आगे भी हम इस हालात पर जो भी अपडेट है लेते रहेंगे, क्योंकि हम आपको ये लगातार बता रहे हैं, जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है किस तरह का हाल आपके शहर में, आपके प्रदेश में बना है, यानी हम लोगों के लिए कितनी दिक्कतें अभी और हैं।